अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड डिस्कस किया था और उससे रेलेवेंट हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी, सो उसी की एक्सटेंशन है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग हैमिल्टन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सो प्रॉब्लम इज सॉल्विंग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दैट इज़ वो जो हैमिल्टोनियन जो है वो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है, और उसका जो फार्मूला है वो आपके पास कुछ इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, इसमें ये जहन में रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल की जगह पे स्पेस यूज़ हुई हुई है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, एंड सो ऑन डिवीजन। सो इट्स द फार्मूला जो आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन किसी लेवल के ऊपर ज़रूर पढ़ ली होगी, होपफुली क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ज़रूर पढ़ी होगी। सो यहाँ पे जो पी है वो आपके पास मोमेंटम है और क्यू जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि हैमिल्टोनियन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी हम लोग बाद में फिर दो इक्वेशंस बनाते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से डेरिवेटिव और दूसरा हम लोग मोमेंटम के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। सो उन दो इक्वेशंस को हम लोग फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्दर फिर सॉल्व करते हैं। सो हम लोग हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। जो हैमिल्टोनियन एच है वो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फर्दर टाइम डिपेंडेंट है। सो ये तो हमारे पास हैमिल्टोनियन डिफाइन हो गया, यानी कि हैमिल्टोनियन जो है वो एच हमारे पास मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग हैमिल्टन इक्वेशंस बनाएंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होंगी, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की हुई है। सो हैमिल्टन इक्वेशन के लिए जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली इस हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है, और सेकंड इक्वेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, एंड सार नेगेटिव साइन, ये उसकी इक्वेशंस हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है। और ये अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं पी प्राइम और क्यू प्राइम। सो अगेन ये जहन में रखें कि ये चूंकि थ्योरेटिकली डिस्क्राइब होंगी, जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा पी आपके पास मोमेंटम है और क्यू आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट है। पी प्राइम जो है वो टाइम के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड क्यू प्राइम जो है वो टाइम के लिहाज से जो है ना सॉरी टाइम के लिहाज से नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन का जो पी प्राइम है वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन का क्यू के लिहाज से डेरिवेटिव है, एंड क्यू प्राइम जो है वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन का मोमेंटम के लिहाज से डेरिवेटिव, और मोमेंटम जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्दर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और दो ही हमारे पास फंक्शंस हैं पी एंड क्यू, और उनके लिए हम लोग डी सॉल्व की कमांड के जरिए इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस देंगे, उन दो इक्वेशंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं वो हम लोग पास करेंगे, और जो फंक्शंस हैं वो फर्दर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो ये जो डी सॉल्व की कमांड है इसके पास पी का सलूशन होगा और क्यू का सलूशन होगा। सो पी के सलूशन को हम लोग इस जो भी सलूशन आएगा इस सलूशन के अंदर उसको मोमेंटम में रिप्लेस करवा के रख लेंगे, और जो क्यू का सलूशन होगा उसको डिस्प्लेसमेंट में स्टोर करवा के रख लेंगे। अब उसके बाद जो ये मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशंस आएंगी उनके अंदर जो आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, जैसे जो टाइम टी ज़ीरो के ऊपर जो उसका सलूशन है वो ज़ीरो को लीड कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो के ऊपर वो फाइव को लीड कर रहा है। तो वो जो ये वाली जो है वो इनिशियल कंडीशंस हैं जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो गिवन होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो ज़ीरो टू ज़ीरो जा रहा है या ज़ीरो टू फाइव जा रहा है, ये गिवन होंगी, आपने उन्हीं को फॉलो करना होगा।
सो यहाँ पे अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, उन कॉन्स्टेंट्स के लिए हम लोग इन दो इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दो इक्वेशंस हैं, दो ही हमारे पास सी वन सी टू हैं, उनके लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मोमेंटम वाली जो इक्वेशन है, मोमेंटम वाली इक्वेशन जो है उसमें हम लोग फर्स्ट जो कांस्टेंट होगा उसको रिप्लेस करवा देंगे, और ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं मोर ओमेगा, उसकी वैल्यूज को भी हम जो गिवन होंगी उनके साथ रिप्लेस करवा देंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के अंदर, और जो फोर्स है वो आपके पास मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इस वजह से आपके पास तीन क्वांटिटीज आ गई। इन तीन क्वांटिटीज को हम लोग टी जीरो से लेके टेन के दरमियान उसको प्लॉट करवा लेंगे। ये आपके पास मोमेंटम आ गया, एक्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आपके पास विच वॉज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी। सो जीरो से अब उसके बाद पी और एक्स जो है उसको प्लॉट किया, पैरामीट्रिक प्लॉट किया गया है फ्रॉम जीरो टू टू पाई, जीरो से टू पाई के दरमियान जो उनका रिलेशन है उसको पैरामीट्रिक प्लॉट की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। पैरामीट्रिक प्लॉट को आप क्वेश्चन मार्क लगा के भी डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। सो होपफुली मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वियन थी हैमिल्टन इक्वियन, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना था। उसके लिए हमने पहले हैमिल्टोनियन बनाना था, हैमिल्टोनियन बन गया। हैमिल्टोनियन जो है वो फर्दर एच जो है उसके अंदर आपके पास वो डिपेंड कर रहा है पी और क्यू के ऊपर। पी और क्यू जो फर्दर हैं वो आपके पास टाइम डिपेंडेंट हैं। सो ये एच फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल किया, उसमें आपके पास मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पास कर दिया, और ये जो एच फंक्शन था वो हैमिल्टोनियन बना रहा है। इस हैमिल्टोनियन का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास फर्स्ट हैमिल्टोनियन इक्वेशन बन जाएगी, जो कि पी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू टी। एंड अगर हम लोग इस हैमिल्टोनियन का पी मोमेंटम के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियन बन जाएगी, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम है। दो आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, दो ही आपके पास अननोन फंक्शंस हैं, इनके लिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे डी सॉल्व की कमांड के जरिए। और ये जन लिखे, ये अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे डी सॉल्व की कमांड के जरिए, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का आंसर पड़ा होगा। उसको हम लोग रिप्लेस करवा लेंगे मोमेंटम के अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। सो इनिशियल वैल्यूज हम लोग प्लेस करवाएंगे तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आ गए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कॉन्स्टेंट्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। और कॉन्स्टेंट्स के लिए सॉल्व करने के बाद, इनिशियल वैल्यूज पुट करने के बाद, आपके पास मोमेंटम पी के इक्वल आ गया और डिस्प्लेसमेंट एक्स की इक्वल पी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेंगे तो वो आपके पास फोर्स होगी। पी टाइम डी एम वी ओवर डी टी करेंगे तो एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी जो है वो एक्सेलरेशन होता है तो वो एम ए की इक्वल हो जाएगा। सो इस वजह से मोमेंटम का जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है वो फोर्स कहलाएगा। सो इन तीनों वैल्यूज को, मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को प्लॉट कर लिया फ्रॉम टी जीरो टू ट्वेंटी के टेन के दरमियान। उसके बाद पैरामीट्रिक प्लॉट जीरो से टू पाई के दरमियान, ये वाली तमाम आउटपुट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम वन बाई वन शो करवाया गया है। ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ का प्लॉट है, और उसके बाद ये जो है ये आपके पास पैरामेट्रिक प्लॉट है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिटेल से पूछ सकते हैं। लास्ट वीक मैं वीडियोस नहीं भेज सका, उसकी वजह ये थी कि मैं अनफॉर्चुनेटली जो अपना लैपटॉप था जिसके ऊपर ये जूम वगैरह सारा कुछ मेरा मटेरियल लैपटॉप के अंदर ही था, और लैपटॉप मैं अनफॉर्चुनेटली गाँव घर छोड़ आया था, तो इस वजह से कोई भी लेक्चर फॉरवर्ड नहीं कर सका। इस वीक में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि इस तरह के छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं वो चार भेजूँगा, और एक हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे अगर कोई मसला मसाइल है तो। तो थर्सडे को प्रॉबेबली हम लोग लाइव सेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस तरह की छोटी छोटी चार वीडियोस फॉरवर्ड कर दूंगा, उससे हमारे पिछले वीक की जो कंपनसेशन है वो भी हो जाएगी। सो होपफुली आप लोगों को अगर कोई मसला होगा तो डिस्कस करें ग्रुप के अंदर, और बाकी हम लोग फिर थर्सडे को डिटेल से भी डिस्कस कर सकेंगे।